अक्षर वर्ण आदर से ज्ञान करते हैं, और उदाहरण छोटे से कुछ अलग सकते पड़ेगा। अगले साल जब बच्चों को कत्ल करने का साल था, तो अगर सुना ना होंगे हमने पूछा की बुला लो उनकी माँ का वायदा की किसी की मैं अनुमति दी, और जब पता चला जूनी गुरु ने कहा कि उस जालत ने क्या किया, मूसा बिल्कुल अधिकार उसने ड्यूटियां लगा दी पुलिस वालों ने भी उतारी थी। जब आपकी बुलाना बात आदत हुई तो जो दाई थी ना वो आपके गुस्सा को देखकर देखता होगा। तो वहां में जिसको बयान सुनाया है सोलह बारह सोलह बाहर के आने पर उतारी से मैं कोई ऐसे मेरे बात नहीं हुई नजर पाते हैं वह अल आई अलई का महब्बत अपनी थी मूसा ने भी बोला ऐसे तेरे ऊपर वो जिला होगी तेरे ऊपर आशिक अपनी होगी अपने आपने तरफ से मोहब्बत डालने की उससे दे सकते वो बहुत मूसा ने भी अपनी बात पर व्यक्त करती है कैसे भी हो सके इस बच्चे को बचा लिया जाए खाना पर हमने रुपी लगाई है जो बच्चा चाहता वो कदर कर दिया है बात पुलिस वाले भी ज्यादा दे रहे हैं उसने मूसा की तरह की वादा था कि बच्चा पड़ा कितना भी दिल है मेरा दिल की आंख से देता इसको कदर करो इसको जिंदा रखने की कोई असबाब पैदा करें तो आपके घर में मूसा की तरह का वादे बना ने बकरी का बच्चा भी बात किया हुआ था सुधाई ने उसको हंडिया में रखना और बाद सुधाई को कहा कि उसके घर के क्या पैदा वर्मा ने कत्ल कर दी है और मैं जंगल में उसको दफन करने जा रहा हूँ उन्होंने दाई का इस्तेमाल कर लिया चली गई। बाद में जब मजूमिया ने बताया था कि वो बच्चा जिसने ग्राम जिसने दबाव बर्बाद करना है वो तो दुनिया में आ चुका है उसने सख्ती की पुलिस वालों पर सबने कहा थे आपने तो कितने बच्चा बदल दिए एक बच्चा तो बना के डर में पैदा हुआ उन्होंने दाई का इतवार किया है इतवार किया है इतवार किया है तो उसको हमने अपने हाथों से नहीं कतल किया दाई ने कतल किया बात ने कहा कि ऐसे करो बगैर इतवार के डर में दाखिल हो जब पुलिस वाले आए तो उस आदमी पूरा के बैग पैसा पड़िया अपनी जोली में दाई को चला दिया उनसे प्यार कर लीजिए जब आए पुलिस वाले बैठ पड़िए मैं देखा मूसा की उम्र के बैठ गोद में थे अभी तकरीबन 40 साल के लगभग उम्र 40 महीने 40 दिन सारी उम्र बीत गया एक महीना था उसको बैठे हुए तो बहन परेशान होगी कि जब देखिए तो हमसे मित्र कर दी जाएगी उसने ये तस्वीरें महंगी उठा के दे दी जलते हुए तो दूर में मूसा की उम्र पुलिस वाले आए और तलाशी के घर में कुछ ना मिला चले गए तो मां का दिल तो बड़ा गर्म होता है ये अल्लाह सुबहाना हो ने मां का अंदर रखा मां के दिल में मां का लगी बेटे ने पूछा तेरा बेटा किधर है बाप का भाई किधर है लगती है बेटा मैं जबूर में डाल दिया अपनी सब घर कर मैंने हम सबको कत्ल न कर दें मां का और जब नहीं जब देखा तो तंदूर से आके छोले निकले हैं तो मुसा के को आग में खेल रहे मुसा के को ला आग में खेल रहे ये तो दूसरा कलीमुल्ला की शान है ना खुद मेरे आका में इसका मुकाम तो बहुत बुलंद है सैदा फातुल्ला हरा सलम ने एक बार इस तरह रवायत का बात में रोटियां उगाने को आका मित्र फाया बाबे को रोटी नहीं लगाओ मेरे आका में सब में लगा दी सारी रोटियां बाकी उस रोटी को आग में कुछ नहीं करा सैदा फातुल्ला तो ज्यादा सलम ने गलत करके अब्बा जान को रोटी नहीं बची सरकार की तरह बने और यहाँ प्रकार का प्रमाण चाह रहा है मान आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान नमक का जला दी लत तमस्ता नाल जो चीज ईमान के साथ मेरे जिस्म के साथ पंच कर गई उसको ये आज तो क्या जन्नत की आग में जला सकते और जिनके सीने में आता का इश्क हो उसको ना ये आग जला सकते ना वो आग ये बड़ी बात उसके बाद ले आए फिर मूसा कलीमुल्लाह की बात है जब कितने दिल में खौफ सा हुआ दोबारा डटे के आए तो मैं क्या करती हूँ अल्लाह ताला तरफ से इशारा मिला कि सुदूर में डाल दे बेटे को और दरिया के एक ने बहाना तेरा काम है फिर हमारी कुदरत कमला का नजारा देखना दोबारा बल्कि अल्लाह सुबहानाहु ने जो उनके दिल में बात डाली ना वो बीच में पाल में मजबूर है माया
मेरा मेरा वादा है, मैं वापस इस बेटे को तेरी गोद में लाऊंगा। और ये आगे विशाल भी दी बाबा क्या भूमि नल मुल साई। और सारा सरकार भी तेरे बेटे के साथ रहते। अब तस्वीरें तो नहीं थी गर्म कुरान ने इस बार खुद आपने एक स्वरूप में डाला बेटे को रहने के वादे कर दिया। आपको बड़ा मुश्किल था लेकिन अब तक इशारा हुआ वो तैयारी में बैठा बैठा फिरौन के जो महल था उसका बाल था बहुत बड़ा रह गई से मैं कभी एमोशन मैं कर रहा हूँ वो उसके बगीचे से बाहर निकल जाने जाती है। तो फिरौन अपने बीवी आसिया के साथ सैर कर रहा है उसको अपने बगीचे से। जब नया स्वरूप गुजरा लगा मैं अपना मुखा किया स्वयं जल्दी करो ये स्वरूप लेकर जब स्वरूप लेकर आया तो बोला तो सीमा ने मेरी मुसा मेरी मुला दूरी मुठा मुंह में डाले चुस्ता। अब यहाँ का तो फिर फरमाते हैं कि मुसा मेरी मुला फिरौन भूल गया कि मैंने तो हुक्म दिया था इंसान को बचे जाओ कतल करने। उसे जब मुसा देखा ना मुसा की मुला तो शदा हो गया फिदा हो गया बोल पर ठाया प्यार करने लगे। यहाँ का तरह सोना पड़ा सूरा कहा गया नंबर 40 जिसे सारे रातों को याद किया। फिर हम बड़ा खुश होता जल्दी
अब अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया, जल्दी जल्दी गाने बयान कर दिए मुसा अलैहिस्सलाम की, अभी जाओ उधर अपने बेटे के पास मुसा अलैहिस्सलाम के पास, मैं कहाँ है, मैं तो आपके पास जल्दी करें, वक्त कम है, भाई हो रहा है, उसे भूख लगी है। जब वादा माजा गई तो मूसा कलीमुल्लाह ने जब वादा की खुशबू पाई तो अपने बाजू गुलाब की मांग कर अपने बाजू मांग कर गुलाब के मकाम का वादा था। अभी 40 दिन में मूसा कलीमुल्लाह वहां की खुशबू पाई, अपने बाजू मांग कर गुलाब दिए, और जब पानी बोर में डाला तो दूध पीना शुरू कर दिया। तो यहाँ सैदा आमना सलाम अलैहि का शाम भी निकल जाती है कि मार्गदर्शन कहते हैं, नसीब कहते हैं, जगह जैसे ये कहते हैं काफ़ रमेश का कोई एक पत्र की शैबा होता तो महबूबे की बड़ी आता दूध रोशना करवाते। नबी अलैहिस्सलाम ने तीन चार गाँव का दूध पिया, चार ही चार बच्चा की मौत है। सैदा आमना सलाम अलैहि का दूध पिया, फिर अबू लहब की बकरी शैबा का दूध पिया, फिर सैदा उम्मे अमन जो सैदा आमना सामने रहती थी फारमा की, जब सैदा आमना सामने काम करती ना सरकार उम्मे अमन रहती तो अपना दूध पिला देती, और फिर सैदा हलीमा साहब की रजी लगा रहा था सरकार की, एक चीजी बात है तीन रजाई बात है। और हलीमा साहब की खबर की जन्नत वकील में ऐसा इतना कहते हैं ना गया तो सारी कबर फिर मैं बात करके था, लेकिन एक कबर कुमर गाल थी। तो मैंने पूछा ये कबर किस की जाने कहा है कि सईदा हलीमा साहब की आती है। मैंने पूछा ये सिर्फ कबर खाली बनी है कहा तो ये पाकिस्तान उस जमाने का से बहुत सबसे पहले बहुत कृषि आई होती है, क्योंकि सईदा आपस हम कबर पर को अब हुआ के वहां पर जो मदीना और मक्का का पुराना वाला था उससे बने आना जैसा तो रुकी में हलीमा साहब की कबर पर सब कबर था, क्योंकि सबसे पहले बहुत कृषि आई थी। तो मैं तो मान जाऊं कि नबी अलैहिस्सलाम ने सईदा आमिना शर्मरा तक रहता दूध पी के दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों के लिए माँ माँ का दर्जे की मौत है। फिर बड़ी लंबी हदीस है, दौरानी उठा के देखिए, बेटी उठा के देखिए, आदा करीब ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे मेरी वालदा कब्र की इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला इजाजत दी, सरकार ने जब कब्र पे गई और उसके बाद सईदा शख्स का नंबर करा दिया है। अब हम ये थे सरकार आपकी पहला मकाम ये नहीं खाली किया जा सकती है, चार ऊपर चीजें खाली है। आगे करने के बाद सरकार जब आया ना मजदूर की कब्र स्थान पर तो मुझे बात करना करके सवाली मैं एक बार खड़ी हुई सरकार गए भी जाकर कब्र पर, तो जहाँ जब गए हैं तो आंसू से आंखों से आंसू की लड़ियाँ बह रही हैं, रोते जा रहे हैं। सईदा फरमा की मैंने भी रोना शुरू कर दिया, मगर वो आए तो महबूब सरकार से जा रहे हमने क्या फरमाती, मैंने ये नहीं पूछा हजूर क्यों रोए सरकार के आंखों से यहाँ से निकले, सईदा फरमाती मैंने भी रोना शुरू कर दिया। जब सरकार वापस गए तो चेहरा बाल मेरा हुआ है, तो मैंने अर्ज किया सरकार कभी होगी अर्ज समझा तो गए हैं तो आप रोए मुझे भी रुका दिया, जब आए तो चेहरा अशास विशास है। तो सरकार ने फरमाया कि आशा मैं अल्लाह ताला की बात मानते अर्ज किया और अल्लाह सुब्हानहू मेरी बात तक को जिंदा फरमाया, पहले आपने करना पर दोबारा कब्र न गई। इसका ये भी मतलब पहले भी आप मोहना की लेकर जब दोबारा जिंदा करके आपसे इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह ताला ने मकाम ए सहाबी को फायद कर दिया। तो सरकार का पूछा कि कुला ने किसी तरह का दूध नहीं किया, जितनी भी काम और मुश्किल थी आपने दूध नहीं किया, जब वालदा माज आ गया तो खुद आगे हाथ बढ़ाए और दूध पी लिया। तो सरकार का सहीदा अपना अस्लाम का कुछ भी नोश फरमाना इस बात की दलील है कि आपकी बाल का सिर्फ मौका नहीं है अल्लाह तआला की मकाम ए सहाबी को भी फायद है, क्योंकि वारुद का तेरा सैयद सामने नावा रुद का तेरा सैयद सामने नावा रुद है आपका सैयदा Allah
اور فرعون صبح و شام آپ سے پیار کرتا،